मैडम, वो आपने नौकरानी के लिए कहा था ना? हाँ जी भैया। वो मैं लेके आया हूँ। मैं आजा। यही है नई नौकरानी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। आजा आजा अंदर आजा। ए, पागल है क्या? सोफे पे क्यों बैठ रही है? चल यहाँ नीचे बैठ। अरे कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। ओए, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? वो तो मालकिन है, वो तो बोलेंगी सोफे पे बैठने के लिए। अरे तुझे तो खुद सोचना चाहिए ना कि तेरी औकात क्या है। तो एक नौकर है नौकर, चल नीचे बैठ। वैसे मैडम, आपको पता है इसको सारे काम आते हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, साफ सफाई। और एक बात और मैडम, इसको टॉयलेट साफ करना बहुत अच्छे से आता है। और रुको मैम, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। ए सुन। जी साहब। हम दोनों के लिए ना अदरक की बहुत अच्छी चाय बना के ले गया, जा। अभी लाती हूँ। और सुन, चाय अच्छी बना के ले गया ना। जी मेम साहब, वो सामान कहाँ पर रखा है? चीनी पत्ते इस लैब पे रखे है और दूध फ्रिज में होगा। ठीक है। वैसे मैडम, ये घर का सारा काम जानती है, पर फिर भी इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। शकल से तो भोली भाली लगती है, लेकिन पता नहीं कब घर ये आपका सफल कर जाए, कोई भरोसा नहीं इसका, है ना? तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। कहाँ मिली है आपको ये? अरे वो हमारे घर के पीछे जो शर्मा जी है ना, उनके ये काम करती थी। ये रहते कहाँ है? अरे हमारे सोसाइटी के पीछे जो गरीब लोग रहते ना, झुग्गियां है जहाँ पे, वहीं पे रहती है। और एक बात और मैडम, शर्मा जी कह रहे थे कि शादी के कुछ दिन के बाद इसके सास ससुर दोनों खत्म हो गए, और एक दो महीने बीतने के बाद ये अपने पति को भी निकल गई। शर्मा जी ने कहा है थोड़ा होशियार रहने से बस। और पता है इसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, ये इधर उधर लोगों के यहाँ काम करती है और अपना पेट भरती है बस। मेम साहब, एक मिनट, मैंने तुझको दो कप चाय के लिए बोला था ना, तो तीन कप लेके चली आई। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाने के लिए बोला था, तूने अपने लिए किससे पूछ के बना लिया चाय? साहब गलती हो गई, आगे से नहीं। गलती? अरे तुझसे गलती कैसे हो गई? इससे पहले भी तू ये गलती कर चुकी सोफे पे बिना पूछे बैठ के, उसके बाद में दूसरी गलती ये तुझसे चाय के लिए हो गई। अभी तो पूरा घर लूट ले जाएगी, उसके बाद बोलेगी मैडम गलती हो गई। तुझे ना एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, तो तुम्हारी सारी की सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। बस बहुत हो गया सम्राट जी, माना ये आपके घर की नौकरानी है, पर आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। मुक्ता शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। मुक्ता? अरे तू मैडम का नाम कैसे जानती है? मैडम ये आपको नाम से कैसे बुला रही है? सहेलियां एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मालकिन या मेम साहब से नहीं। क्या ये आपकी सहेली है? हाँ, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। बचपन में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, और फिर शादी के बाद मैं शहर चली गई, और शहर जाने के बाद हम दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि बात करने का इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था। पर वक्त कुछ ऐसा बदला कि मेरे पति की डेथ हो गई और मेरा फ़ोन भी खो गया था, इसलिए तो मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई इनसे कभी। और हाँ सम्राट जी, अपने लिए आप नई नौकरानी ढूंढ लीजिए। अरे क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि ये अब और किसी के घर पे काम नहीं करेगी, अब ये मेरे घर पे रहेगी, मेरी फैमिली मेंबर बनकर। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे घर में ऐसे। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे घर में? बस कशिश, बहुत हो गया, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। बहुत मनमानी कर ली तूने, अब जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। अब तू किसी के घर पे काम नहीं करेगी, मेरे घर पे ही रहेगी, मेरे घर की मेंबर बनकर। पर मैडम, आप इसको अपने घर में रख कैसे सकती हैं? ये बहुत ही मनहूस है, इसने अपने पति को खा गई है, बर्बाद कर दी अपने घर को। ये आपके घर को भी बर्बाद कर देगी। देखिए सम्राट जी,
दोस्ती हालात देखकर नहीं की जाती। मैंने इसे दोस्ती की है, इसके बुरे समय में मैं इसका साथ दूंगी और आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। वैसे सम्राट जी, आपको तो पता था ना ये किन हालातों से गुजर रही है, पर नहीं, आपको नहीं लगा कि आप इससे पूछें कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। सम्राट जी, आप है ना बड़े खुदगर्ज आदमी है, आपने अपना काम निकाला और हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।